हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको सिखाने वाले कि कोरल में टेक्स्ट के अंदर इनग्राफ इफेक्ट यूज़ कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस आइकन को ऑन रखें, जिससे हमारी वीडियो और भी जल्दी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमने लेयर पहले ही लेकर रख रखी है। तो इसका साइज़ जो हमने बना रखा है, लेंथ इसकी 12 इंच में कर रखी है और हाइट 5 इंच। तो हम इस पर इमेज लेते हैं, पहले फाइल ऑप्शन में जाके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम इमेज को क्लिक करके उसको ले लेते हैं। तो हमने वुडन की इमेज एक लेकर रख रखी है। अब इसके हम साइज बना लेते हैं, जो हमने पेज का साइज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज कर लेते हैं। ये हमने इसका साइज किया। अब हम इसको थोड़ा हल्का सा छोटा कर लेते हैं और अब हम इसकी एक कॉपी लेते हैं जिस पे हमें वर्क करना है। तो हमने जैसे कॉपी ली और उसको हमने पेस्ट किया माउस की मदद हेल्प से। अब हम इस पे अपना वर्क करेंगे और इसको हम फ्री छोड़ देंगे। तो हम इसको अंडो कर लेते हैं जिससे हमारे लेयर के ऊपर ही चली जाए। अब इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अब हम इस पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग साइज रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मेरे को जो फॉन्ट अच्छा दिखाई देगा इस पर, मैं वो फॉन्ट इस पर यूज़ करूँगा। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। तो लेफ्ट क्लिक करके कॉपी, फिर राइट क्लिक करनी है पेस्ट के लिए, लेफ्ट क्लिक करी फिर पेस्ट, राइट क्लिक से। अब मैं इसको लिखना स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको भी जो मेरे को दूसरा टेक्स्ट भी लिखना है। और इसका साइज मैं अपने पेज के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें इनग्राफ इफेक्ट यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने टेक्स्ट को और बैकग्राउंड को माउस की मदद की और शिफ्ट होल्ड करके रखना है और फिर मेरे को इस तीनों को ट्रिम कर देना है जिससे मेरा इनग्राफ इफेक्ट्स शो होगा। तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक से। ये मैंने ट्रिम कर लिया। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया और जो मेरी लेयर थी वो इस पर ट्रिम होके आ चुका। अब मैं इस लेयर पे शो कराने के लिए मैं बिट इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, एडजस्ट गामा, ये गामा पे गया और मैंने इसको 150 कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो जिससे आपको अच्छा दिखाई दे। तो मैं इसको 150 कर लेता हूँ। ये मैं 150 ओके। तो मेरे को इसमें अच्छा दिखाई देगा। ओके, ये शो होने लगा। अब मैं इसको बिट मैप मार देता हूँ RGB करके 300 DPI में। ओके, अब मैं इसमें इनग्राफ इफेक्ट्स शो कराऊंगा। तो उसके लिए मुझे एडिट बिट मैप पे क्लिक करना है। एडिट बिट मैप पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये मेरा एडिट बिट मैप पे जा चुका।
अब मैं इसको इनग्रेव इफेक्ट देने के लिए मैं सबसे पहले इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर। तो मैं इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद टेक्सचर प्लास्टिक ऑप्शन, ओके। ये देखो अब थोड़ा डार्कनेस स्मूथिंग दिखने लगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं जैसे आपको दिखाना है। तो जैसे मैंने कर रखा है आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप कॉपी कर सकते हो। मैंने 80:10 और 70 किया, ओके। ये मेरा हो चुका कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, यस। तो ये मेरा इनग्रेव इफेक्ट्स बनके रेडी हो चुका है। और ऐसे इफेक्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल रखें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे इफेक्ट्स और अच्छी वीडियो बना के आपको सिखा सकूं।